कार्टून है, आ गए ना पत्रकारिता का साथ लेने, वो भी कार्टून ने की या मैंने की, जो वीडियो किसी ने जारी की है, जो हमने देखी है, किसान शांति पूर्वक घर जा रहे हैं, बिल्कुल शांति पूर्वक, और पीछे से गाड़ी किसने चढ़ाई, मंत्री के बेटे ने, वहां कोई हिंसा का कोई मास्ता नहीं था, जानबूझ के हत्या की गई किसानों को, और उसके बेटे को बचाने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री, सारा प्रशासन, सारा शासन और सरकार उसे बचाने में लगी हुई। लेकिन एक जिले लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा, गृह राज्य मंत्री का बेटा, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के और किसानों की हत्या कर रहे हैं, किसानों की हत्या कर रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मुआवजा तो दे रहे ना था उन लोगों को, तो आप देश प्रदेश प्रदेश की जनता को मारेंगे और मुआवजा देंगे, कौन है हिटलर है, इसे कहते हैं गुंडा राज, रावण राज, राक्षस राज, तो कौन जाने देगा। अरे वहाँ पहुँच करके बताओ कि हम पहुँच गए यहाँ, तब होता है। अच्छा ताऊ एक बात बताइए, सांसद तो मना कर रही कि हमारा बेटा और हम नहीं गए वहाँ, हमने नहीं मारा किसानों को, ये गाड़ी किसने चढ़ाई है, वीडियो आई ना, पहली वीडियो आ गई सबूत के तौर पे कि किसान, निर्दोष किसान अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके वापस घर की तरफ जा रहे हैं और पीछे से गाड़ियों से किस तरह कुचला जा रहा है, दो दो गाड़ियों से कुचला है, ये लोग क्या है, आज तक किसी ने कहा है अपराधी ने कि मैंने अपराध किया है, चोर ने कहा है कभी मैंने चोरी की है, हत्यारे ने कहा है कभी मैंने हत्या की है, और जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो, जो गुंडा एक्ट में जेल गया हो, उसको तुम गृह मंत्री बनाओगे, जब गुंडे गृह मंत्री होंगे इस देश में तो किसानों के साथ क्या, देश की सब जनता के साथ ऐसा अत्याचार होगा, और जिसका बाप गुंडा हो, गृह राज्य मंत्री हो, तो उनकी औलाद कैसी होगी, सब देखो। दैनिक जागरण कोई अखबार नहीं है, ये आरएसएस का अखबार है, और आरएसएस के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है, तो वो हमारे बारे में कैसे सही लिखेगा, जी न्यूज भी तो यही बोल रहा है, और वो किसका है, सुभाष चंद्रा का, सुभाष चंद्रा बीजेपी का सांसद है, और बाकी चैनल जो बचे वो अडानी अंबानी के हैं, एक एजेंडा होगा, इस जो अब दलाल मीडिया है, एजेंडा है, एबीपी न्यूज का पत्रकार की भी हत्या हुई है, उनके चैनल पे नहीं चल रहा है, क्यों चलाएंगे, क्यों चलाएंगे, दलाली इसे कहते हैं, चाटुकारिता इसे कहते हैं, सरकार की चाटुकारिता। अच्छा दिखा दीजिए थोड़ा, देख लो, अच्छा अंजना जी को दिखा रहे हैं, अंजना जी को दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं चाटुकारिता, ये तो अंजना कश्यप है उनका, मैं चाटुकारिता दिखा रहा हूँ, ये तो अभी पढ़ लेना क्या लिखा है, अच्छा लिखा है, इसके बाद मैं अभी इन्हें इनकी जीप से भी चाटूंगी, इन्हें जीप से भी पैरों को चाट रहे हैं, या माइक आईडी आज तक की है ये, और मोदी जी की फोटो लगी हुई है इसमें, कहाँ रखी है आईडी, मोदी जी के चरणों पे रखी है, तो इससे ज्यादा गुलामियत चाटुकारिता। ये तो कार्टून है, किसी ने बनाया है, ये ओरिजिनल थोड़ी है, अच्छा कार्टून है, आ गए ना पत्रकारिता का साथ लेने, वो भी कार्टून था जब योगी का आया था, सारे किसानों को तुमने ललकारा था, तब तुमने नहीं कहा था ये कार्टून है, तब तो कहा था लखनऊ जाओगे तो बक्कल तार देंगे, आज क्या बोल रहे हो, इसे ही कहते हैं पक्ष लेना। ताऊ आप भी यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हो, वहाँ योगी जी तैयारी कर रहे चुनाव को लेकर के, तो हमें क्या चुनाव लड़ना, जिन्हें चुनाव लड़ना होगा वो तैयारी करेंगे, आज तो आंदोलन करते हैं, आप तो बंगाल में आप गए थे समझाने ना, उत्तर प्रदेश कब जा रहे हो, जब हमारे नेता का आदेश हो जाएगा, मैं तो चला था समझाने, लेकिन हादसा हो गया रास्ते से वापस आना। लखीमपुर की जो घटना घटी है वहाँ पर कितने किसान अभी मौजूद हैं, क्या और भी किसान वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या हालात है वहाँ पे मेरा बताइए। देखिए स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन हमारे नेताओं ने उसे अभी संभाल के रखा है, और नेता वहाँ जमे हुए हैं, कुछ नेता जमे हुए हैं, वो वहाँ की
पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो हैं और हमारे राकेश टिकैत जी हैं। उस स्थिति को, क्योंकि वो एक बड़ी भयानक स्थिति है जब 9 किसानों की हत्या होती है और वो भी निर्दोष किसानों की, तो वो स्थिति बहुत भयानक है। प्रशासन जिस तरीके से हाथ जोड़े खड़ा है आप लोगों के, क्या आप लोग मानेंगे वहाँ पर धरना प्रदर्शन ना करने का? देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि उसमें हाँ या ना का जवाब। ये सब हमारे भारत के किसानों ने, हमारे 40 जो जत्थेदार हैं उन पे छोड़ रखा है। हम लोग तो सब सिपाही हैं, सेनापति वे लोग हैं। जिस तरीके से कल 6 तारीख है, कल सिंघू बॉर्डर से भी कई जत्थे, पंजाब से आने वाले जत्थे निकल रहे हैं लखीमपुर को लेकर, लखीमपुर के लिए किसान ने ट्वीट किया है, तो अब जाकर के माहौल वहाँ, मतलब क्या अब राजनीति होगी या उनकी शहादत के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं? देखिए, राजनीति किसान करता ही नहीं, ना हमने तब की थी। किसान देखिए, अगर वो जा रहे हैं जी, तो भाई किसी के परिवार से जब कोई चला जाता है जी जी, और जवान जवान बैठे गए हैं, 19 साल का है, 20 साल का है, 35 साल का है, 30 तरह के गए, कोई 62 का भी है, तो जब हमारे परिवार से 9 शहादत हो चुकी है तो हम लोगों को सहानुभूति और दुख में शरीक होने का तो अधिकार है। लेकिन पुलिस रोकेगी तब भी जाएंगे आप? ये कौन से संविधान में लिखा है कि हम अपने परिवार में मृत्यु होने पर उसके घर नहीं जा सकते? बड़े बड़े नेताओं को रोका गया, प्रियंका गांधी को रोका गया, चंद्रशेखर, मायावती सबको रोका गया। वो राजनेता है, हम राजनेता थोड़ा ही है जी। वो राजनेता है, हमें कैसे रोक देंगे? रोक रहे हैं ना। कहाँ रोका है? राकेश टिकैत जी को रोका है? कई जगह बैरिकेड, कई जगह बैरिकेड लगी थी। बहुत बड़ी गलती की जी। ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी और देश का प्रशासन भी सुन ले, अगर हमारे 40 जत्थेदारों में से किसी को भी रोका, इस तरह कल चरणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था मेरठ में जी। और खबर नहीं लगने दी, ये गलती प्रशासन दोबारा ना दोहराए, वरना अंजाम भुगतने के लिए प्रशासन तैयार रहे। वो बोली कब है किसानों के लिए? वैसे किसानों की सराहना करते हैं, कभी किसानों की बात करते हैं किसानों से, वो उसका काम है कि वो ये दिखाना चाहता है देश का प्रधानमंत्री कि किसान है ही नहीं देश के अंदर। किसानों के इतने बड़े आंदोलन, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, वो इसे इग्नोर करके दिखा रहा है। और ये वो किसान है जो इसका देश और दुनिया में भी इच्छा नहीं छोड़ेगा, पहले दे दिए तो शिलान्यास तो किया ना। कब किया? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ चुके हैं, ये चुनावी घोषणा है और ये फिर जुमले हो जाएंगे जैसे इनके मंत्री आकर के बताते हैं कि